चिकित्सा के क्षेत्र में रविवार का दिन जिले के लोगों के लिए क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। कैथा स्थित प्राइम हॉस्पिटल में स्थानीय विधायक सह मंत्री चंद प्रकाश चौधरी के द्वारा डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया। इससे पहले मरीजों को डायलिसिस के लिए रांची जाना पड़ता था। शहर में डायलिसिस की सुविधा होने से जिले के मरीजों को रांची जाने से निजात मिलेगा। प्राइम हॉस्पिटल में रांची के सुप्रसिद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार वैद्य एवं उनके सहयोगियों के द्वारा मरीजों का डायलिसिस किया जाएगा। डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर मंत्री चंद प्रकाश चौधरी ने क्षेत्र की जनता और अस्पताल के प्रबंधक को बधाई दी। मंत्री चंद प्रकाश चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में इस अस्पताल में ब्लड बैंक की भी व्यवस्था होगी, जिससे दुर्घटना में घायल लोगों के इलाज में काफी सहूलियत होगी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से अस्पताल में और भी सुविधाएं बहाल करने की अपेक्षा जाहिर की और अपनी शुभकामनाएं दी। प्राइम हॉस्पिटल में वर्तमान में दी जाने वाली चिकित्सकीय सुविधाओं के बारे में बताते हुए अस्पताल के संचालक जेके सिन्हा ने बताया कि हमारे अस्पताल में 2400 घंटे चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और एम्बुलेंस सहित सभी प्रकार के चिकित्सकीय सुविधा 2400 घंटे उपलब्ध रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि यह जिले का एकमात्र अस्पताल है जिसमें झारखंड सरकार एवं भारत सरकार कर्मचारी राज्य बीमा नगर निगम द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ ESI कार्डधारी का मुफ्त इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा यहाँ सारी सुविधाएं सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा। खास करके इस रामगढ़ जिले में इस तरह का हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए लोगों को रांची जाना पड़ता था और रामगढ़ में यह सुविधा मिली है, जिसके लिए मैं हॉस्पिटल प्रबंधन के डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ। इसका इलाज संभव हो सकेगा, क्योंकि कई एक बार ऐसा देखा गया हॉस्पिटल का मतलब इमरजेंसी, मतलब किसी भी वक्त हॉस्पिटल का लोग जा पाते हैं या कोई घटना दुर्घटना हुआ तो कई एक बार देखा गया कि हमारे पेशेंट रास्ते में ही इलाज के अभाव में या फर्स्ट केयर के अभाव में रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो इस तरह के हॉस्पिटल आने से यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा मिले और रामगढ़ जिले की सौभाग्य की बात है। मैं आप लोगों से भी और सभी लोगों से भी अपील करूँगा कि यह सुविधा जो आज ESI का भी हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं जो जिनका रजिस्ट्रेशन है, जिनका कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, वो सारे लोग उसी विभाग से टैग है और हम भी प्रयास करेंगे कि BPL का जो अभी टैग नहीं हो पाए, लेकिन टैग हो जाएगा तो निश्चित तौर पर BPL के मरीजों को भी यहाँ पर मुफ्त में इलाज होगा और यह हॉस्पिटल और अच्छा तरक्की करे, यह हमारी शुभकामना है। हमारे मंत्री महोदय ने बताया जो सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध है, अब उसका लाभ लेना हम पर निर्भर करता है। ठीक है सर जी। और सबसे बड़ी बात है, बाहर में लोगों के मन में ये होता है कि अगर हॉस्पिटल है और ऐसा हॉस्पिटल है तो कहीं जो आम जनता के मन में रहता है कि चार्जेज बहुत ज़्यादा होंगे, तो मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि जो CGHS का सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कीम्स का जो गाइडलाइंस है, बिल्कुल उसी गाइडलाइंस के साथ हम लोगों ने मिनिमम चार्ज जो उस गाइडलाइंस पे है वह हॉस्पिटल का। न्यूजलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है